नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा हुई। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं, समानता चाहिए। इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ये बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। अगर ये बिल आज पास होता तो 2029 तक 33% महिलाएं सांसद बनकर आ जाएंगी। वहीं खड़गे ने कबीर का दोहा काल करे सो आज कर सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की। जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि भाजपा का उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है। सरकार नियमों से काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास रखती है। इस पर विपक्षी सांसद नोनो करने लगे तो नड्डा ने कहा कि नोनो करने वालों को शासन करना नहीं आया। अगर शासन करना आता तो पता होता कि नियम कानून भी कोई चीज़ है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उन्हें गरीबों की परेशानियाँ नहीं पता होती। एक लीडर को लीडर बनना पड़ता है, सिखाए हुए बयान देने से काम नहीं चलता। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।